हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिजाइन ऑफ आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि अभी मैं आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बता रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं एकल प्रबलित धरण। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, देखिए, यदि आप किसी भी बीम को क्रॉस सेक्शन में देखिए, ठीक है, तो वहां पर जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ का एरिया जो है आपका टेंसाइल एरिया होगा और दूसरे साइड का जो एरिया होगा कंप्रेशन एरिया होगा। यहाँ बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। यदि सिंपली सपोर्टेड की बीम की बात किया जाए तो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे का एरिया होता है कंप्रेशन एरिया होता है और न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया होता है वो टेंसाइल एरिया होता है। बीम का क्रॉस सेक्शन आपका ये है, यह है बीम का क्रॉस सेक्शन। माना कोई बीम ले लीजिए और इस बीम का जो ब्रिथ है स्मॉल बी मान लीजिए और इसकी जो डेप्थ है टोटल डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल डी मान लीजिए, ठीक है। आपका न्यूट्रल एक्सिस यहां पे कहीं ना कहीं जाकर के होगा। न्यूट्रल एक्सिस को भी हम लोग समझेंगे क्या होता है और सिंगली बीम को भी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सिंगली बीम क्या होता है कि जब मेन बार यानी स्टील बार केवल टेंसाइल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है तो उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। कंप्रेशन एरिया में अलग से स्टील बार प्रोवाइड नहीं किया जाता है, एंकर बार के रूप में यूज किया जाता है, केवल नाम मात्र के लिए होता है जिससे स्टीरप्स को टिकाया जा सके अपने स्थान पर, ठीक है। आप जब भी बीम को देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर नीचे स्टील बार डला हुआ है, यहाँ स्टील बार आपको दिखाई देगा और यहाँ ऊपर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है कि केवल ये है आपका टेंसाइल एरिया। अब टेंसाइल एरिया कैसे होगा वो भी अभी हम बात करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये है आपका कंप्रेशन एरिया, संपीडन क्षेत्र है। अगर इस फिगर को आपने समझ लिया तो बहुत सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये टेंसाइल एरिया कंप्रेशन एरिया के बारे में समझ लेते हैं पहले, ठीक है। ये टेंसाइल एरिया क्यों हो गया, ये कंप्रेशन एरिया क्यों हो गया। अगर बीम के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात किया जाए तो बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है और ये बीम कई लेयर से मिलकर बना हुआ है, कई परतों में मिलकर बना हुआ होता है ये, ठीक है। इस तरीके से जब इसके ऊपर कोई लोड लगता है, जब इसके ऊपर कोई लोड आता है तो आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से ये बेंड हो जाता है, इस प्रकार से झुक जाती है ये बीम, ठीक है, इस प्रकार से झुक जाती है। आप सबसे ऊपर वाले लेयर की बात अगर करें तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है देखिए उसकी लंबाई छोटी है और सबसे नीचे वाले लेयर की लंबाई देखिए सबसे बड़ी है। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब यह है कि ऊपर ऊपर जो बीम है उसके लेयर की लंबाई क्या हो गया, छोटी हो गई, कम हो गई, यानी कंप्रेशन लोड लगा उसमें, कंप्रेशन से क्या होता है लंबाई छोटी हो जाती है और नीचे टेंसाइल लोड सबसे ज्यादा लगा। तो ऊपर कंप्रेशन सबसे ज्यादा होता है जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, यानी यहां पर कंप्रेशन एरिया
यहाँ पे कंप्रेशन लोड सबसे ज़्यादा लगता है और नीचे टेंशन लोड सबसे ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे कंप्रेशन लोड घटता हुआ चला आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पर कोई भी कंप्रेशन लोड नहीं लगा रहेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से कंप्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है लेयर में, उसके नीचे आएंगे तो थोड़ा सा कम होगा, फिर नीचे आएंगे कम होगा, फिर कम, घटते घटते एक समय आएगा कि एक लेयर ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पर कंप्रेशन लोड बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे जीरो लगा हुआ है। बिल्कुल कंप्रेशन लोड क्या है वहाँ पे? जीरो है। वहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस भी क्या है? जीरो है। उसी लेयर के बाद से स्टार्ट हो जाता है नीचे वाले लेयर में टेंसाइल होना, ठीक है। उसमें क्या होता है? टेंसाइल लोड लगने लगता है, फिर लोड बढ़ते 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 नीचे सबसे ज़्यादा हो जाता है। एक ऐसा लेयर जिसमें न तो कंप्रेशन होता है और ना ही टेंशन होता है, उस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। वो आपका न्यूट्रल लेयर हो जाता है, उदासीन सतह हो जाता है वो। और उसे क्रॉस सेक्शन में उस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो एक्सिस होता है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। मतलब कि ये जो आपका आपको लेयर, एक ऐसा लेयर जिसमें ना ही कंप्रेशन हुआ और ना ही टेंशन हुआ, यानी उस पर कोई लोड लगता ही नहीं है और ना ही इस पर कोई स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस भी जीरो है, लोड भी जीरो है आपका वहाँ पे, ठीक है। तो उस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर, उदासीन परत बोलते हैं उसे। और उस उदासीन परत पर क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। इसी न्यूट्रल एक्सिस की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, हर एक स्ट्रेस क्या है? जीरो है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया हो गया, क्योंकि इस वाले एरिया में क्या था कि कंप्रेसिव लोड लग रहा था, इसके सभी लेयर में कंप्रेशन हो रहा था, इस वजह से इस पूरे एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन एरिया। और इसके नीचे वाले एरिया में टेंसाइल लोड लगा था, जिसके वजह से इस एरिया को क्या बोलते हैं? टेंसाइल एरिया बोलते हैं। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे, टेंसाइल एरिया क्या होता है, कंप्रेशन एरिया क्या होता है। फिर से मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि सिंपली सपोर्टेड बीम की बात किया जाए तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होता है वो कंप्रेशन एरिया कहलाता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है वो टेंसाइल एरिया कहलाता है। एक चीज क्लियर हो गया। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा एक्सिस जो बीम को दो भागों में बांटता है, कंप्रेशन एरिया और टेंसाइल एरिया। और यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों क्या होता है? जीरो होता है। उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ गई? टेंसाइल एरिया, कंप्रेशन एरिया समझ में आ गया आपको, न्यूट्रल एक्सिस समझ में आ गया आपको। अब बात ये आती है कि मैंने आपसे ये बताया कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, एक ऐसा बीम जिसके केवल टेंसाइल एरिया में स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है, उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। लेकिन आपने ऐसा कोई ऐसा बीम नहीं देखा होगा जिसमें केवल यहाँ पर स्टील बार प्रोवाइड किया गया है, ऊपर नहीं किया गया हो। ऊपर भी किया गया होगा, लेकिन ऊपर जो स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, वो केवल नाम मात्र के लिए किया जाता है, जिससे उसमें जो स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, जो रिंग प्रोवाइड करते हैं, वो अपने स्थान पर टिका हुआ रहे। अगर एंकर बार, उसे बोलते हैं एंकर बार, ठीक है। ये क्या है आपका? एंकर बार है, एंकर बार। और ये कौन सा बार है? ये मेन बार है आपका, ये टेंशन बार है, मेन बार है। ये बार जो है टेंसाइल लोड को बियर कर रहा है, जबकि ये बार ना तो कंप्रेसिव लोड को बियर करता है ना ही टेंसाइल लोड को बियर करता है। ये केवल इसलिए यूज किया गया है कि बीम में जो रिंग प्रोवाइड किया है, रिंग मीन्स स्टीरअप्स प्रोवाइड किया है, वो अपने स्थान पर टिका हुआ रहे। अगर आप इस बार को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो रिंग को आप नीचे तो मेन बार में बांध देंगे, ऊपर ऐसे हवा में लटका देंगे उसे, तो जैसे ही कंक्रीट डालेंगे फर्माबंदी में, आप बीम के फर्माबंदी में कंक्रीट डालेंगे, तो वो स्टीरअप्स आपका इधर उधर गिर जाएगा वो,
ठीक है, अपने स्थान से अपना अपना पोजीशन चेंज कर देगा वो, इसलिए यहाँ पर एंकर बार नाम मात्र के लिए डाल देते हैं जिससे स्टीरअप्स को इसमें बांधा जा सके। ठीक है, अब इसमें एक बात और आती है कि टेंसाइल एरिया में ही ये मेन बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टेंसाइल लोड को बियर नहीं कर पाता वो, उसकी उस वो टेंसाइल लोड को बियर नहीं कर पाता है, कंप्रेसिव लोड को बियर कर लेता है। तो बीम पर जो कंप्रेसिव लोड लगता है उसको कंक्रीट बियर कर लेता है, और जो टेंसाइल लोड लगता है उसको कंक्रीट नहीं बियर कर पाता है, इसलिए टेंसाइल एरिया में मेन बार प्रोवाइड कर दिया जाता है, स्टील बार प्रोवाइड कर दिया जाता है, और ये स्टील बार जो होता है वो टेंसाइल लोड को बियर कर लेता है। यानी कि बीम पर दो टाइप के लोड लगेंगे, एक तो कंप्रेसिव लोड लगेगा, दूसरा टेंसाइल लोड लगेगा। कंप्रेसिव लोड जो बीम में लग रहा है उसे कंक्रीट वहन कर लेगी, उसको बियर कर लेगा, और जो टेंसाइल लोड लगा हुआ उसे स्टील बार सहन कर लेगा। यही रीजन है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में केवल टेंसाइल एरिया में मेन बार प्रोवाइड किया जाता है, कंप्रेसिव एरिया में नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा शॉर्टकट में कि जब केवल टेंसाइल एरिया में मेन बार प्रोवाइड किया जाता है, कंप्रेशन एरिया में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उस प्रकार के बीम को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। ठीक है, इसके न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार की होती है। न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और दूसरा होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। दो प्रकार का यहाँ पे क्या होता है आपका, दो टाइप का होता है न्यूट्रल एक्सिस। एक होता है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बल शून्य रेखा, क्रांतिक बल शून्य रेखा। क्रांतिक बल शून्य रेखा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना कभी कभी क्या बोल देते हैं, सी एन ए। सी से क्रिटिकल, एन से न्यूट्रल, ए से एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, सी एन ए, क्रांतिक बल शून्य रेखा। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस की, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है, बल शून्य रेखा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और दूसरा होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी हम बात करेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की। ठीक है, यहां पर देखिए मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूले बता दे रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन यहां पर नहीं है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेरिवेशन यहां पर नहीं है। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पूरे आरसीसी में, पूरे आरसीसी का कोई भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, डिज़ाइन वाले क्वेश्चन जितने भी लगाएंगे, चाहे वो बीम का हो कि कोई भी बीम हो या स्लैब हो, ठीक है, या सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कैंटीलीवर बीम हो, ठीक है, या स्लैब हो, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, हर एक जगह सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस पे ही बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक न्यूमेरिकल में आपको लगभग मिल जाएगा ये। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एक्सिस से डिनोट किया जाता है,
एक्स का मतलब होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सी का मतलब हो जाता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या है फॉर्मूला? एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। बस इतनी सी फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्स बराबर क्या होता है? एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वर्किंग स्ट्रेस में न्यूट्रल एक्सिस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्रिटिकल और एक्चुअल दोनों। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। एम क्या है? एम है आपका मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो जिसे हिंदी में बोलते हैं मापांक अनुपात। ठीक है, वैसे एम का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? एम बराबर होता है 280 बटे 3 सिग्मा सी बी। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आप आईएस कोड यूज करेंगे, M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है तो मॉडुलर रेशियो स्मॉल एम का मान हो जाता है 18। और यदि M20 ग्रेड का यूज करते हैं तब मॉडुलर रेशियो का मान हो जाता है 13 पॉइंट समथिंग होता है, लगभग 13 मान लीजिए। ठीक है, यदि M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं तो मॉडुलर रेशियो क्या हो जाएगा? 18। M20 का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 13 आपका। सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी क्या है? उससे पहले डी लिख लेते हैं। डी क्या है? डी क्या है? स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? बीम के टॉप लेवल से टेंसाइल एरिया में जो नीचे मेन बार प्रोवाइड किया गया है उसके सेंटर तक की जो दूरी होती है वो कहलाता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, जो नीचे स्टील बार प्रोवाइड किया गया है उसके सेंटर से ऊपर तक की जो गहराई होती है उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और ये जो कैपिटल डी लिखा हुआ है ये टोटल डेप्थ ऑफ बीम है। अच्छा, जो नीचे मेन बार यूज किया गया इसके सेंटर से नीचे तक की जो डिस्टेंस होता है इस दूरी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। अगर आपको कैपिटल डी दिया गया हो और स्मॉल डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर, कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे तो स्मॉल डी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी की। तो सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी क्या होता है उसको समझ लीजिए। सिग्मा एस टी है आपका, सिग्मा सी बी मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल है ये। ठीक है, क्या है? वैसे पूरा नाम इसका परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, परमिसिबल शब्द लगा देते हैं। कंक्रीट में अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल है। ठीक है, अगर M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है तो सिग्मा सी बी हो जाता है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है तो सिग्मा सी बी का मान हो जाता है 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू आपको जो है आईएस कोड में मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे ग्रेड अलग अलग ग्रेड का अलग अलग सिग्मा सी बी वैल्यू होता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं निकालने का तरीका क्या है। जैसे मॉडुलर रेशियो को मैंने आपको बता दिया कि 280 बटे 3 सिग्मा सी बी से आप निकाल सकते हैं, वैसे ही आप कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। कैसे? ग्रेड के कंक्रीट के बाद जो संख्या होती है ना उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3
तीन से भाग दे दीजिए। तीन क्या है? सेफ्टी फैक्टर है ये, तीन क्या है? सेफ्टी फैक्टर है। और 15 क्या होता है? ग्रेट के कंक्रीट के बाद जो संख्या होती है उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर, यानी 15 डिवाइड बाय 3। तो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 20 में डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको लगभग उसको 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा सी बी। ऐसे ही सिग्मा एस टी की अगर हम बात करें तो सिग्मा एस टी क्या है आपका? परमिसिबल, परमिसिबल सब दोनों में लगा सकते हैं आप, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी इस्पात में, इस्पात में अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है ये, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। ये कैसे निकालते हैं? ये डिपेंड करता है स्टील की ग्रेड पे। जैसे मान लो Fe 250 यूज किया जाएगा या Fe 415 यूज किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आपके पास IS कोड का टेबल पूरा होगा, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, Fe 250 के लिए सिग्मा एस टी का मान जो होता है 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और Fe 415 के लिए सिग्मा एस टी का मान 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे इसको भी मैं बता दे रहा हूँ तरीका कैसे मैंने निकाला। ये इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है ना वो 1.78 होता है। तो 1.78 से ना Fe के बाद जो डिजिट लिखा हुआ होता है उसमें डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आपका आ जाता है। तो याद रखिए कंक्रीट का सेक्टर ऑफ फैक्ट्री 3 होता है और स्टील का कितना होता है? 1.78। किसमें? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने CNA समझ लिया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसका डेफिनेशन अगर आपको देना हो तो कैसे दे सकते हैं? देखिए इस न्यूट्रल एक्सिस के फॉर्मूले में कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का यूज किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि कंक्रीट और स्टील के स्ट्रेस के आधार पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। फिर से समझिए डेफिनेशन कि स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेस के आधार पर, स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेस के आधार पर यानी उसके प्रतिबल के आधार पर निकाली गई बल शून्य रेखा या निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। एम क्या है? मॉडुलर रेशियो है, जिसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा सी बी। सिग्मा सी बी क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट होता है, जिसे सिग्मा सी बी बोलते हैं। M15 के लिए सिग्मा सी बी का मान 5 होता है, M20 के लिए 7 होता है। ऐसे ही सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील है। अगर Fe 250 का यूज करते हैं तो सिग्मा एस टी का वैल्यू 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लेके चलेंगे, या यदि Fe 415 यूज करते हैं तो सिग्मा एस टी 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लेके चलेंगे। स्मॉल डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल में डी माइनस इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप का, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है उसको समझते हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ना कि ये दो लाइन का डेरिवेशन है, तो इसका मैं तुरंत ही बता दूंगा आपको कि कैसे फॉर्मूला बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ये जरूर समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उसमें भी मैं आपको यही बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आगे भी चलेगा तो आगे आपको काम आएगा ये। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। अगर आपको बनाना समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि RCC आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आगे, क्योंकि पूरा खेल इसी का है। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस,
ठीक है, इसको बोलते हैं ए एन ए, ए से एक्चुअल, एन से न्यूट्रल, ए से एक्सिस। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं वास्तविक बल शून्य रेखा, वास्तविक बल शून्य रेखा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए बैलेंस्ड बीम के लिए, यानी अगर हम एक इकोनॉमिकल बीम बनाते हैं तो उसमें ये मान के चलते हैं कि इसका जो कंप्रेसिव एरिया है वो टेंसाइल एरिया के बराबर होगा, कंप्रेसिव एरिया टेंसाइल एरिया के बराबर होगा। तो कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट, इसी फॉर्मूले से आपका ये पूरा फॉर्मूला प्रूफ होने वाला है। मैंने क्या बोला, कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट बराबर टेंसाइल एरिया का मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट, मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बट यहाँ पे हम फोर्स नहीं लेके चलेंगे बल्कि फोर्स के स्थान पर एरिया लेके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया का मोमेंट निकाल रहे हैं, फोर्स का मोमेंट नहीं। तो कंप्रेसिव एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर टेंसाइल एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में हम मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव एरिया इंटू डिस्टेंस, कंप्रेसिव एरिया कितना है, देखिए ये लंबाई आपका कितना है स्मॉल बी, ये लंबाई कितना है स्मॉल बी, और मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है वो एक्स है, तो कंप्रेसिव एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, ये हो गया कंप्रेसिव एरिया। अब डिस्टेंस भी लेना है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इस कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स बाई टू बराबर। ऐसे ही मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया हम लेंगे, तो टेंसाइल एरिया निकालेंगे हम, टेंसाइल एरिया जब निकालने की बात आती है ना, तो देखिए ये है आपका टेंसाइल एरिया, लेकिन यहाँ पे जो कंक्रीट है ना, उस कंक्रीट को हम टेंसाइल एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि टेंसाइल लोड को कंक्रीट बियर नहीं कर पाता है, तो टेंसाइल एरिया की जब भी बात की जाएगी वो इस स्टील का एरिया ले लेंगे हम। तो मान लीजिए स्टील का एरिया कितना है ए एस टी, क्या है ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील, तो यहां पर टेंसाइल एरिया कितना है आपका ए एस टी, बट इसको कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, मॉडुलर रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमेशा इसको ए एस टी नहीं बल्कि क्या लेके चलते हैं एम ए एस टी, एम ए एस टी क्या है, ये है आपका कंक्रीट के इक्विवेलेंट हमने इसको बना लिया। ठीक है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, जैसे आपने कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से डिस्टेंस लिया वैसे हम टेंसाइल एरिया के सेंटर से डिस्टेंस यहाँ एन ए तक लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो पूरा डी, पूरा डिस्टेंस डी है, डी में से एक्स को माइनस कर दीजिए, डी माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका बी एक्स स्क्वायर अपान में टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। बस यही दो लाइन का फॉर्मूला था आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो मैंने आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बताया, एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया बी एक्स स्क्वायर अपान में टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या डेफिनेशन में बताएंगे, देखिए इसके फॉर्मूले में ना बी और डी यूज किया गया है, तो बी और डी का मतलब क्या है
सेक्शन का एरिया हो गया, इसका एरिया, और एएसटी यूज किया गया है। एएसटी क्या है आपका? स्टील का एरिया। बी इंटू एक्स क्या है? कंक्रीट का एरिया। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिव और टेंसाइल एरिया के आधार पे निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाती है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल वाले में स्ट्रेस की बात की गई थी और इसमें एरिया की बात की गई है। तो कंक्रीट के एरिया और स्टील के एरिया के आधार पर निकाली गई न्यूट्रल एक्सिस क्या कहलाती है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एक्सिस से डिनोट करते हैं और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को एक्सए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं मैं केवल एक्स ही लिख दूंगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। वैसे देखो यहाँ पर जो एक्स है ये एक्सए है। क्या ये एक्सए है? अभी मैंने यहाँ पर ये इसको नहीं डिफाइन किया कि ये एक्स सी है कि एक्स ए है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, या आप चाहो तो दोनों जगह एक्स एक्स यूज कर सकते हो, और दोनों कब कहाँ यूज करनी है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी कॉन्सेप्टुअल चीज़ें था और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए कि आने वाले चैप्टर में डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम हुआ या टी बीम हुआ, उनकी इतने लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, वो आप तुरंत बना सकते हैं। बस फिगर आपने माइंड में रखा और तुरंत बना लिया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का अपलोडिंग हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।